वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम हि राम 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 भज राम राम भज राम राम भज राम ही राम। जय सियाराम दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री राम जी की कृपा से उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की कथा, अर्थ सहित छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और पिछली कथा में हमने सुना है कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है और श्री राम और परशुराम संवाद चल रहा है। तो आइए कथा को आगे ले जाते हुए देखते हैं कि भगवान परशुराम और भगवान श्री राम आपस में क्या संवाद चलता है। तो कथा आरंभ करते हैं। सुर समर करनी करी कहीं न जनावी आप रामा कहीं न जना वही आप विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथि प्रताप से आवर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं बनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तो ये जो संवाद है चल रहा है लक्ष्मण जी और परशुराम जी में, और परशुराम जी को लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि शूरवीर तो युद्ध में कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते, भी अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करते हैं। तुम तो कालुहा कजन लावा बार बार मोहे लागे बुलावा सुनत लखन के बचने कठोरा परसु सुधार धरयो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मार लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना भयानक फरसल का सुधाकर हाथ में ले लिया और परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गया है। अब जानी देही दोस मोहि लोगी कटु बादी बालक बद जोगु। अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है, ऐसा परशुराम जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी से। बाल बिलो की बहुत मैं है भांचा अब यहू मर निहार भांसाचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचा लिया, बहुत अपने आप को शांत कर लिया, अब यह सच मुझ मरने के ही आ गया है। कोसिक कहा क्षमे अपराधु बाल दोष गुण घने न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। खर कोठार में अकुरन को ही आगे अपराधे गुरु द्रोही तीखी धार का कुठार में दया रहित क्रोधी और यह गुरु द्रोहो और अपराधी मेरे सामने। परशुराम जी बोले उत्तर देत छोड़ियो बिन मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है इतने भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सोहे विश्वामित्र नाता ए ही काटी कुठार कुठारे गुर ही उरने होते श्रम थोरे। केवल तुम्हारे प्रेम से, क्योंकि मुझे तुम में प्रेम है, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उदीर्ण हो जाता। गाधी सुनो के हृदय हसी मुनि हरि हरि सुई सूज रामा मुनि हरि हरि सूज एमे खांड नौख मया अजो न भूज भूज से आवर राम जय जय राम। मेरी कल प्रभु राम सीताराम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रही है, किंतु यह लोहमयी केवल फलाद की बनी हुई है, खड़ग है, वो रस की खाट नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अभी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहियो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा।
माता पिते ही उरनी भैनी के गुर रिनो रहा सोच बड़ जी के जो जनो हमरे माथे काड़ा दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा ब्या नहीं वह भारे बोली तुरत देऊं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी ने कहा है मुनि आप किशील को कौन नहीं जानता, संसार भर में प्रसिद्ध हैं आप, मात पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है वह मानो हमारे ही मत्थे काटा था। बहुत दिन बीत गए इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कोठार सुधारा हाय हाय सब ये सभा पुकारा भृगुबर पर सुदिखावो मोही विपरी विचार बचयो रिप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी को ठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा भिखु श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले ना कभू सुबट रण गाड़े दिज देवता घर ही की बाड़े अनुचित कहीं सब लोग पुकारे रघुपति से नहीं लखनऊ ने वारे। आपको कभी रणधीर ब्रह्मांड वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित ही अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखने उतरिया हुति सरिस भृगुबरि कोपु कृसान रामा भृगुबरि कोपु कृसान भरत देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी की क्रोध अग्नि और भी बढ़ने लगी। यह देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, नाथ करो हो बालक पेरे छोबु सुद दुद मोख करी ना को जो पे प्रभु पर भाव कुछ जाना तो की बराबर करत आयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुंह है बच्चे पर क्रोध ना कीजिए, यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचे गरे करे ही गुरु पितु मात मोदे मन भरी करी कृपा शिशु सेवक जानी तुम समसेल धीरे मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं ना तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने कहु कछु लखन बहुरे मुसुकाने हसत देख नख शिखर व्यापी राम तोरे भ्राता बड़े पापी। राम जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनका हंसता देखकर परशुराम जी को फिर सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा राम तेरा भाई बड़ा पापी है, गोर शरीर से आम मन माही काले कोट मुख पे मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरे न तोही
नीचु मीचु सम देख ना मोई। ये शरीर से तो गोरा है लेकिन हृदय का काला है, ये विषमुख है दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। तो परशुराम जी राम जी से कह रहे, जैसे एक शरारती बच्चे के लिए बोलते हैं ना कि तुम इसको सीधा बोल रहे हो तो बहुत टेढ़ा है, उसी प्रकार से परशुराम जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि तुम इसको सीधा बोल रहे हो, ये तो टेढ़ा है, और तुम जिसके बोल रहे हो कि दूध मुंह है दांत है राम है, इसके तो विशीले दांत है, विशीला मुंह है इसका, तो ये तो मन का दिल का तन का गोरा और मन का काला है, तेरे जैसा नहीं है, तू शांत स्वभाव का है, ये मुझे देखकर बिल्कुल भी भय नहीं मान रहा, डर नहीं मान रहा, तू ज्ञानी है तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये तो मुझे एक साधारण सा आदमी समझ रहा है। ऐसे बोल रहे हैं परशुराम जी और श्री राम जी का ये संवाद है। लखन कयो हसे सुनो मुनि, क्रोध पाप करे मोर, जेहि बसे जने अनुचित करी, चरे ही विषव प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने फिर हंसकर छेड़ दिया मुनि को, क्या कह रहे हैं, मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि को पुकरे अब दाया, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग दी कर दया कीजिए, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से टूट नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। अभी भी मस्करी कर रहे हैं लक्ष्मण जी गुस्से में। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरी कहूं बड़े गुनी भुलाई, बोलत लखन ही जनक डराही, मस्त करो अनुचित भल नाही। यदि जरूर अति प्रिय हो तो कोई उपाय नहीं किया जाए और किसी बड़े गुने कारगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थरे कांप ही पूरे नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़े भारी, भृगुपति सुने सुने निर्भय बानी, रिसतन जरे होए बलहानी। जनकपुरी कि स्त्री पुरुष भी थरथर कांप रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ये जो छोटा कुमार है ना ये बड़ा खोटा है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि ये छोटे वाला तेज है, छोटा शरारती है, ऐसे जनकपुरी में बातें चल रही हैं कि जो छोटा कुमार है ये तेज लग रहा है, ये खोटा लग रहा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी के श्री क्रोध से जला जा रहा है, क्योंकि वो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी उनके बल की हानि हो रही है और उनका बल घट रहा है। बोले राम दीन हो राम, बचियों बेचार बंगोल घोरा, मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, विशेष भरा कनक खटू जैसे। तो श्री राम जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, राम तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनी लक्ष्मण बहसे बहुरी नयन तेरे राम, सुनी लक्ष्मण बहसे बहुरी नयन तेरे रे राम, गुर समीप गवने सकुचे परे हरि बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिरस पड़े और रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा भी तो चुप नहीं करता, जिससे लक्ष्मण जी से बचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति वनीति मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरे जग जापानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना, बालक बचन करे नहीं काना। रामचंद्र जी ने दोनों हाथों को जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले और बोले, नाथ सुनिए,
आप तो स्वभाव ही सुजान है, आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना सुना कर दीजिए प्रभु, उसकी ओर ध्यान ना दीजिए, वो अनजान है, वो छोटा है। बरर बालक एको सुभाव, इन्हीं ना संत विदुष ही काऊ, ते नहीं काज काज बिगारा, अपराधी में है नाथ तुम्हारा। बरे और बालक का एक स्वभाव है, संत जनी ने कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने लक्ष्मण तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है प्रभु, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं, ये धनुष तो मैंने तोड़ा। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करे दास की नाई, कहीं बेग जेहि विदिर से जाई, मुनि नायक सोई करो हो पाई। हे स्वामी अतः कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास तेरे अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए प्रभु, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूंगा। कह मुनि राम जाए रिस कैसे, अजू अनुज तव चितव अनैसे, एही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पू करे कीना। मुनि ने कहा राम क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, अभी भी वो सीधा नहीं खड़ा, अभी भी वो हरकतें करी जा रहा है, इसकी गर्दन में मैंने कुठारना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्व सत्र वही अविन परवनी, सुनी कुठार गत गोर, पर सुआ छत देख्यो जियत, भैरी भूप की सोर। मैं जिस कुठार की गौर करने सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फर्श से के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहिना हाथ दोए रिस छाती, बाकुठार कंठित नृप घाती, भयो वाम विधि फिरे स्वभाव, मोरी हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे होती। पता नहीं इसके भाग्य अच्छे हैं, जो अभी भी मुझे इस पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन अपने जो अस्त्र है उसके ऊपर हाथ ही नहीं चल रहा, नहीं तो अब तक तो कब का खत्म हो गया होता। आज दया दुख दुसे सुहावा, सुने सो मित्र विषय बेहस सिरुनावा, बहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसे दुख सहा रही है, ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर फिर सिर निभाया और फिर बोलते हैं, वो तो आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है, वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भये तेनु राख विदाता, देख जनक हटी बालक एहूं, किने चाहते जड़ जमपुर गेहूं। एक तो इतना पहले ही वहां पे गर्म और वहां पे ऊपर से लक्ष्मण जी उनको और छेड़ रहे हैं, कैसा दृश्य है ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या हो रहा है, जैसे एक बच्चा आगे के आगे शरारत कर रहा हो और सामने वाले को गुस्सा आ रहा हो, वही सब यहाँ पर हो रहा है। हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है ना, कह रहे तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेगा आपकी। तो परशुराम जी ने कहा जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है, यह अभी भी नहीं हट रहा, एक जना मुझे शांत कर रहा, दूसरा मुझे गुस्सा दिला रहा है, बेगी करो के न आखने ओटा, देखट छोटे खोट नृप ढोटा, वैसे लखन कहा मन माही, मुंदे आंख कतू को नाही। इसको शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करते, इसको यहाँ से ले जाओ, मेरी नजरों से दूर ले जाओ, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर फिर कहा मन ही मन, आंख मूंद लेने पर कोई कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरे अति क्रोध रामा, बोले उरे अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ कर से हमार पर बोध से आवर, राम जय जय राम।
तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। हमें ही बोल रहा है कि शांत रहो शांत रहो। बंदुकाओं कटु सम्मति तोरे, तू छलविने करस करे जोरे, करि परितोष मोरे संगी रामा, नाही नाता छाड़ कहा उब रामा। तेरा ये भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। कह रहे एक जना मुझे गुस्सा दिला रहा, दूसरा जना मुझे शांत कर रहा है। अब तो एक ही हल है, या तो ये छल ना कर, राम ना कहो, और या फिर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध की नीति बन चुकी है। और श्री राम फिर छल तज करे समरु सी विद्रोही, बंधु सहित ना तमारू तो ही, मृगपति बाके कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिरे नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाइयों सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी को ठार उठाए बक रही और श्री राम जी सिर झुका कर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनी लखनी करे हम परि रोशु, कति सुधायु ते बड़े दोषु, टेढ़ जाने सब बंदई काहूँ, वक्र चंद्र मही ग्रसई नाराहूँ। राम कहो रिस तजी मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जे ही रिस जाई करे सोई स्वामी, मोहि जाने आपने अनुगामी। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, दोस्तों लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राव भी नहीं ग्रसता है। रामचंद्र जी ने कहा, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभु ही सेवा की समरू कस, तजू विप्रवर रोस, वेशु विलों के कहे से कछु, बालक हूँ नहीं दोस। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कीजिए, आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कोठारी बाण धनुधारी, भैलर कहीं रिस बीरु बिचारी, नामु जाने पै तुम्हें ना चीन्ना, बंस सुभाए उतरू ते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वे आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। प्रभु, अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार ही उत्तर दिया उसने, जैसा एक वीर को देना चाहिए। जो तुम्हें ओते हो मुनि की नाई, पद रज सिर सी सुधरत गोसाई, छमु चूके अनुजानत केरी, चाहिए प्रयोरी कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो स्वामी बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता और अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरे बरे कसीना था, कहू न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी एक ही आपकी बराबरी कैसे? कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण प्रेम पिनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे,
क्षमो विप्र अपराध हमार। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके परम पितर शम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सन राम, बोले मृगपति सरुषि हसी ताऊ बंधु संबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा, तब मृगपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोधी हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। न पटही दे ज कर जानही मोही, मैं जसे विप्र सुनाव। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे कि बार बार मुनि विप्र ने कहा राम नाम सन राम, बोले भृगुपति परश हसी तहु बंधु संबाम। परशुराम जी श्री राम को और देखकर उनको गुस्सा आ रहा है और हंस भी रहे और बोल रहे हैं कि तू भी अपनी भाई की तरह है तो टेढ़ा ही। तो इस तरह से श्री राम और परशुराम में संवाद चल रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है, परशुराम जी श्री राम को पहचानते हैं या नहीं और क्या उनमें युद्ध होगा या नहीं। वैसे तो हम सबको कथा सुनी हुई है, हमें पता ही है कि क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है और असल में वहां पर क्या घटना हुई थी वो तो विस्तार से पढ़ेंगे फिर ही आपको सुनाएंगे। तो वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, कथा को एक बार विश्राम देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में यदि आपको कथा अच्छी लग रही हो तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।